आपके साथ मेघा, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम वायरल। एज यू ऑल नो, वायरल प्रोग्राम में हम आपसे करते हैं चर्चा कुछ वायरल खबरों पर, कुछ वायरल तस्वीरों पर, कुछ वायरल वीडियोस पर। और आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे रानू मंडल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, रानू मंडल वो एक नाम है जो आज से एक महीने पहले तक हर किसी की जुबा पर था। रानू मंडल द्वारा गाए गए गानों को लोगों ने अपनी कॉलर टोन बना लिया था। कुछ ऐसा खुमार रानू के टैलेंट का लोगों के सिर पर छा गया। रानू पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाली 60 साल की रानू, जिनके पास परिवार भी था, पति भी थे, बच्चे भी, बावजूद इसके उम्र के इस पड़ाव पर भीख मांगकर गुजारा करने पर रानू मजबूर थी। लेकिन रानू की किस्मत में सुबह हुई। रानू मंडल का गाना अतेंद्र चक्रवर्ती नाम के एक शख्स ने वायरल किया। ये गाना वायरल होते हुए करोड़ों लोगों तक पहुंच गया और फिर क्या कुछ हुआ हर कोई जानता है। चारों तरफ रानू रानू और सिर्फ रानू सुनाई पड़ने लगी। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं, नाम मिलते ही, शोहरत मिलते ही, पैसा मिलते ही रानू मंडल घमंडी हो गई हैं। ठीक सुन रहे हैं आप, सोशल मीडिया पर रानू मंडल को लेकर नेगेटिव प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने रेलवे स्टेशन की रानू को इंटरनेट सेंसेशन बनाया, अब वही लोग रानू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रानू के खिलाफ हैं। ये वीडियो इस वक्त तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल हो जाने के पीछे की वजह रानू मंडल का गुस्सा है। आज तक रानू को गुस्से में कभी नहीं देखा गया। तमाम वीडियोस रानू के सामने आए, इंटरव्यू उनके हुए हैं, इवेंट्स में वो गई हैं, लेकिन रानू को गुस्से में नहीं देखा गया। और यहां जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रानू मंडल गुस्से में है और एक फैन पर चिल्ला रही है। इस फैन की गलती जानते हैं आप क्या है? इस महिला फैन का कसूर इतना है कि रानू ने यहां अपना मुंह फेर रखा था और ये महिला फैन रानू को छूकर उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की इच्छा जता बैठी। अब रानू को लगता है स्टारडम आ चुका है उनमें, रानू बड़ा नाम बन चुकी है। हिमेश रेशमिया ने रानू को एक ब्रांड बना दिया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहां रानू चारों तरफ छाई हुई हैं, कई तरह के रानू के पास ऑफर्स आ रहे हैं और इन सबके बीच शायद रानू को एक आम महिला द्वारा खुद को छुए जाने पर आपत्ति हुई और रानू ने वो आपत्ति दिखाई भी। रानू ने महिला फैन को लताड़ तो दिया, लेकिन अब लोग रानू मंडल के गुस्से को पचा नहीं पा रहे। लोग रानू से कह रहे हैं कि तुम्हें रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली महिला से इंटरनेट सेंसेशन ऐसे ही चाहने वालों ने बनाया, और अगर तुम इनके साथ ही इस तरह का बर्ताव करोगी तो ये स्टारडम लेकर कहां जाओगी। रानू का वो वीडियो, लोगों की प्रतिक्रियाएं और पूरी खबर से जुड़ी जानकारी आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा, कल तक जनता दे रही थी अपना ढेर सारा प्यार, फिलहाल उसी रानू मंडल पर फूट रहा है लोगों का गुस्सा। जी हाँ, सोशल मीडिया का मिजाज रानू को लेकर कुछ इसी तरह से बदल गया है। रानू मंडल का एक ऐसा वीडियो हो रहा है वायरल, जिसके बाद लोग जरा भी रानू को बख्शने वाले नहीं है। दरअसल रानू, जिन्होंने अपनी पहचान टैलेंट और विनम्रता के दम पर बनाई, आज उसी पहचान पर हो गए हैं सवाल खड़े। लता मंगेशकर का गाना गाकर रानू मंडल ने रातों रात नाम कमा लिया, लोगों के दिल में जगह बना ली। लेकिन अब एक और वायरल वीडियो ने जनता के मन में रानू को लेकर नफरत भर दी है। इस वीडियो में रानू एक महिला फैन के छूने पर बुरी तरह नाराज हो रही है। इस फैन ने रानू से सिर्फ सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की और यही बात रानू ने जो की लोगों को पसंद नहीं आई। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। No, no, no.
तो वीडियो आपने देखा, अब इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको बताते हैं। कुछ कमेंट्स आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। यूजर कह रहे हैं इज्जत खत्म रानू के लिए। दूसरा यूजर कहता है घी कम ही लोगों को हजम होता है। बाकी लोग कहते हैं दीदी ऐसे कैसे चलेगा, एक गाना तो आ गया अब और कोई गाना चलने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं औकात भूल गई। कुछ लोग रानू को घमंड ना करने की नसीहत दे रहे हैं। बता दे आपको रानू मंडल का ये रवैया लोगों को जरा भी पसंद नहीं आया और लोग इसी वजह से रानू पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से लोग रानू के खिलाफ हैं। कई कमेंट्स हमने आपको दिखाए, इन कमेंट्स में लोग यही कह रहे हैं कि अब शोहरत नाम और पैसा रानू का घमंड बन चुका है, रानू के सर पर चढ़कर बोल रहा है और इसीलिए अब रानू जनता की इज्जत करना भूल चुकी हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है स्टारडम रानू पर हावी हो गया है? क्या आपको भी लगता है चार दिन पहले मिली चकाचौंध को रानू पचा नहीं पा रही है, इस तरह से ऐसा बर्ताव कर रही है? अपने मन की बात नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप हमें बताइएगा। शो को आगे बढ़ाते हैं। अब जो अगला वीडियो वायरल हो रहा है वो दरअसल हिमेश रेशमिया से जुड़ा है। हिमेश रेशमिया वो एक नाम है जो रानू मंडल के साथ और भी ज्यादा चर्चा में आया, क्योंकि हिमेश ही वो शख्स रहे जिन्होंने रानू को नई जिंदगी दी, रानू को नाम दिया, रानू को शोहरत दी। हिमेश ही वो इंसान है जिन्होंने रानू मंडल पर भरोसा जताया, रानू को अपनी फिल्म के लिए गाना गाने का मौका दिया और ऐसे में फिलहाल हिमेश रेशमिया ने एक और टैलेंट ढूंढ लिया है। हिमेश एक और आवाज जनता के सामने लाने के लिए तैयार हैं। ये आवाज किसकी है, ये कौन सा टैलेंट है जिसे हिमेश रेशमिया ने परख लिया है रानू मंडल के बाद, देखिए जरा। हिमेश रेशमिया इन दिनों नए नए टैलेंट को आगे लाने में जरा भी पीछे नहीं रह रहे। कुछ वक्त पहले ही रानू मंडल को हिमेश ने एक पहचान दिलाई है, एक नाम दिलाया है और अब हिमेश ने एक और नए टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का फैसला कर लिया है। एक वीडियो को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। इस वीडियो को खुद हिमेश रेशमिया ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। बता दे आपको हिमेश अब जिस नए टैलेंट को दुनिया के सामने ला रहे हैं उनका नाम शैनन के है, जो कुमार सानू की बेटी है। हिमेश रेशमिया ने इस वीडियो को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया। पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए, हिमेश आखिर अब किसे नाम दिला रहे हैं, पहचान दिला रहे हैं। खैर आपको बता दें फिलहाल लोग हिमेश में एक नया सलमान खान ढूंढने लगे हैं। लोग कह रहे हैं जिस तरह सलमान खान कई अभिनेत्रियों को, कई अभिनेताओं को मौका देते हैं, वहीं हिमेश रेशमिया टैलेंटेड सिंगर्स के लिए गॉडफादर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने रानू मंडल को नई जिंदगी दी और रानू मंडल के बाद इस वीडियो के जरिए, इस रिकॉर्डिंग के जरिए एक और नई आवाज हिमेश रेशमिया इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। खैर इन दोनों ही कहानियों को सुनने के बाद हम यही कहेंगे कि टैलेंट जो है, सच्ची प्रतिभा, वो किसी की मोहताज नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है, काम करते रहिए, आपकी यही प्रतिभा आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। दोस्तों आज के लिए हमारे प्रोग्राम वायरल में इतना ही, क्योंकि अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हर बार की तरह ले रहे हैं आपसे विदा इसी वादे के साथ, दोस्तों फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए अपने पसंदीदा सितारे से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल Next to 9 News को सब्सक्राइब करें।